ओके है डिस्कस प्रॉब्लम सो इट से ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन आर स्ट्रिंग एंड अप्रोच ईच अदर द शेप ऑफ वन पल्स इज इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू द अदर फाइन सो पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग की इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रिंग है एंड वी हैव टू वेव पल्सेस दिस इज माई फर्स्ट पल्स एंड दिस इज़ माई सेकेंड पल्स इन्वर्टेड है इट मीन्स एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर वट विल एपन जब ये ओवरलैप करेंगे कुछ टाइम के बाद जो वेव वन है वो कुछ आगे आ जाएगा एंड वेव टू जो है वो कुछ पीछे आ जाएगा समथिंग लाइक दिस सो उस टाइम पर क्या होता है सुपर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द डिसप्लेसमेंट ऑफ वेव्स क्या कहता है कि आप देखो ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे ये जो दो वेव्स हैं ये ओवरलैप करती हैं इस पार्ट में जो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट होगा लट से वाई नेट दैट विल बी वाई वन प्लस वाई टू वाई वन क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वेव लेट मी टेक एनी पार्टिकल लट से ये पार्टिकल पी है इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें सो so इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट विल बी वाई वन वाई वन इज़ दिस वन

उस टाइम पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट पी का वो जीरो रहेगा इट मीन्स पॉइंट पी कहीं ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा सो so उस टाइम पे जो वेव का शेप आएगा ना दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस इस तरह से देखो आ, ये पॉइंट मूव नहीं करेगा सो so वेव का शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा है ना सो वी कैन से जो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है वो अफेक्टेड होगा वेन द टू वेव्स विल Overlap. Other than this, there is no relation between the two waves as such. Means ये दोनों देखो आप इस तरह से होगा कुछ time के बाद wave 1 और आगे जाएगा wave 2 और पीछे आएगा So let's say जो wave 1 और wave 2 है ना वो एग्जैक्टली exactly सिमिलर है इन्वर्टेड है बट exactly सिमिलर है लाइक like एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है सो so जब ये जो दो pulses हैं कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी इस टाइम पे आप देखो कि सारे पार्टिकल्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो आएगा इट मीन्स इट मीन्स ये जो स्ट्रिंग है ना ये कम्प्लीटली हॉरिजोंटल हो जाएगा कुछ टाइम के बाद क्या होगा जो वेव वन है फर्दर कुछ डिस्टेंस आगे जाएगा वेव टू कुछ फर्दर डिस्टेंस पीछे आएगा एंड अगेन उसी तरह का शेप बनेगा समथिंग लाइक दिस आप देखो इसी तरह से कुछ शेप बनेगा ना फाइनल शेप जैसे यहाँ पे बना था एंड उसके बाद क्या होगा कि वेव वन फर्दर आगे जाएगा वेव टू फर्दर पीछे आएगा एंड वेव वन आगे निकल जाएगा वेव टू पीछे निकल जाएगा एंड ओवरलैप फिनिश हो जाएगा बट इनका जो ओरिजिनल शेप है ना वो मेंटेन रहेगा मींस बिफोर ओवरलैप जो शेप था पल्स वन का और यू कैन से वेव वन का वो इंटैक्ट रहेगा सिमिलरली वेव टू का भी जो शेप है वो एज इट इज रहेगा so let's check the options the pulse will collide with each other and vanish after collision no the pulse will reflect from each other either exist the pulse going towards the right will finally move towards left no the pulse will pass through each other but their shapes will be modified no the pulse will pass through each other without any change in the shape so these things uh, you should be aware of let me know if you still have any confusion okay guys keep working hard best of luck bye <coughs>